দেও জো পিএসসি মা হোকে বাবা দিন রাত পড়না হে মজা বো ধমাল কাম কর লে থসরে টেনশন আরে কাম কর লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে ঘর পে ধমাল ये कैसे होगा सर बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत आज हम व्याकरण का चौथा और सबसे अंतिम अंग है जिसे वाक्य विचार कहा जाता है, उससे संबंधित जो वाक्य शुद्धिकरण है उनके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिपीटेशन की ओर जाते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कहने वाली बात है कि हम सबसे पहली बात देखे जाए तो किसी भी भाषा में जो सुनाई देती है उसे हम मौखिक रूप से ध्वनि का नाम देते हैं, यानी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी मौखिक उच्चारण को हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं, जिसे मौखिक रूप से सबसे छोटी लघु इकाई कहा जाता है। इसी व्याकरण के अंतर्गत हम जब उस ध्वनि को आड़ा तिरछा और खड़ा वक्र आकार दे देते हैं तब वह वर्ण विचार कहलाता है। इस वर्ण के अंतर्गत आप वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला से संबंधित वर्तनी शुद्धिकरण को पढ़ते हैं और वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह से निर्माण होता है हमारे लिए शब्द का। इस शब्द के अंतर्गत हम शब्द हमारे पास बनाया कैसे गया तो रचना के आधार पर, आया कहां से तो इतिहास के आधार पर, अर्थ क्या है तो अर्थ के आधार पर, और प्रयोग करते समय वो किस प्रकार रूपांतरित होते हैं उसे प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर शब्द कहते हैं। इन्हीं शब्द को जब तक हम किसी संग्रह के भीतर रखते हैं तब तक वो शब्द कहलाते हैं, लेकिन संग्रह से बाहर आकर अब वो हमारे लिए शब्द पद बन जाता है। तो वर्ण को लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई कहेंगे और ध्वनि को मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई कहेंगे, लेकिन जब इन्हीं शब्द पदों का एक सार्थक समूह होता है तब उसे वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य भाषा की संपूर्ण इकाई कहलाती है। तो व्याकरण के अंतर्गत देखा जाए तो व्याकरण का पहला हिस्सा हम वर्ण विचार, वर्ण व्यवस्था या वर्ण को पढ़ते हैं, जिसे हम फोनोलॉजी या फोनेटिक्स कहते हैं। दूसरा होता है हमारे लिए शब्द विचार, जिसे हम इटिमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा होता है हमारे लिए शब्द पद, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और चौथा है वाक्य विचार, जिसे सेंटेंस के नाम से पुकारा जाता है, जिसे आप सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो व्याकरण के चार अंग होते हैं वर्ण व्यवस्था, शब्द विचार, शब्द पद और आपके वाक्य विचार। और आज के इस टॉपिक में हम वाक्य विचार और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। एक बार और बता दूं, वर्ण के बाद यदि हम कहें तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो रचना के आधार पर हम तीन प्रकार के शब्द पढ़ चुके हैं, इतिहास के आधार पर पांच प्रकार के शब्द पढ़ चुके हैं, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द पढ़ चुके हैं, और प्रयोग के आधार पर हमने चार प्रकार का विकारी और चार प्रकार के अविकारी शब्द पदों को पढ़ा है, ठीक है। विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को भी पढ़ लिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेसिक जो व्याकरण के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और आज के इस लेक्चर में हम सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण अंग वाक्य विचार की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली बात, वाक्य क्या होते हैं। वाक्य को भाषा की संपूर्ण इकाई कहा जाता है, वाक्य को भाषा की संपूर्ण इकाई कहा जाता है। तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर देखा जाए तो इस वाक्य से संबंधित परिभाषा जो होती है कि वर्ण अक्षरों के और शब्द पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। तो किसी भी भाव या विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने के लिए, स्पष्टता से व्यक्त करने के उस पद समूह को ही वाक्य कहा जाता है। यानी कि वाक्य शब्द पद की वह सार्थक और संपूर्ण इकाई होती है जिसमें अपने मनोभावों को व्यक्ति एक दूसरे से आदान प्रदान करता है।
ठीक है। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी, वाक्य क्या होगा कि शब्द पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है और वाक्य को भाषा की संपूर्ण इकाई कहा जाता है। यदि हमारे द्वारा किसी प्रकार के उच्चारण में गलती होती है तो वर्तनी प्रभावित होती है, वैसे ही यदि हमारे व्याकरणिक त्रुटियां हो जाती है तो वाक्य जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर होने लगते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, और उसी वाक्य को शुद्ध रूप से प्रयोग कैसे करना है तो वह वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत आता है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न क्या कहता है, वाक्य भाषा की खाली स्थान इकाई होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या यह अपूर्ण इकाई है, क्या लघु इकाई है, कि संपूर्ण इकाई है, कि दीर्घ इकाई है? तो वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि वाक्य क्या है, यदि शब्द की प्रारंभिक अवस्था, यदि शब्द की प्रारंभिक अवस्था बीज यदि बिंदु है तो वाक्य को उसके सार्थक विकास कहा जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, मनुष्य के विचारों को संपूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है और वाक्य को भाषा की संपूर्ण इकाई कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, क्या एक होता है, क्या चार होते हैं, क्या पांच होते हैं, कि छह होते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो शब्द पदों का ऐसा प्रयोग करता है जहां उसके विचार बिंदु स्पष्टता से प्रकट होते हैं, इसलिए उस वाक्य में कुछ आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है जो छह प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहली बात कि उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों में सार्थकता का होना जरूरी है, मतलब कि अर्थ वाले प्रयोग करने वाले शब्द का होना वहां जरूरी है। जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वाक्य के अनुसार उसकी अपनी योग्यता का होना जरूरी है। जब शब्द का प्रयोग कर रहा हो तो कहते समय और लिखते समय उसमें शब्दों के बीच एक उचित निकटता का होना जरूरी है। अगली बात कि जब कोई वाक्य को प्रयोग कर रहा है, बोल रहा है, तो सुनने वाले व्यक्ति के बाध्य उसकी बातों को जानने की जिज्ञासा या आकांक्षा का होना जरूरी है। जब शब्दों का प्रयोग कर रहा हो तो उन शब्दों के बीच में उचित प्रकार के पद क्रमों का होना जरूरी है। वचन लिंग के अनुसार तालमेल को हम अन्वय के नाम से जानते हैं। इस तरह छह प्रकार से वाक्य में तत्व देखने को मिलते हैं, सार्थकता, योग्यता, निकटता, आकांक्षा, पद क्रम और अन्वय। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब देखिए अंग और तत्व अलग होते हैं। तत्व का मतलब है कि ऐसे तत्व जो वाक्य को संपूर्णता, सार्थकता, व्यवस्थित रूप प्रदान करता है उसे उसके तत्व माना जाएगा। लेकिन वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंतर्गत हमें यहाँ पर उसके अंग देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न पूछता है वाक्य के अंग होते हैं, क्या एक होते हैं, क्या दो होते हैं, कि तीन होते हैं, कि चार होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है हमारे लिए उद्देश्य, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए विधेय। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, वाक्य में जिसके विषय में बात किया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, या उसे ही हम कर्ता के नाम से भी पुकारते हैं। उस कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो विस्तार दिया जाता है उसे विधेय कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट के नाम से पुकारते हैं। और इस तरह देखा जाए तो इसके तीन भाग हो जाते हैं, एक तो कर्ता है, एक कर्म है, और एक उसकी क्रिया हो जाती है। इसलिए देखा जाए तो वाक्य में हमारे पास होता है कर्ता, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य का आश्रय कर्म, और उसके द्वारा किए जाने वाली क्रिया, ये उसके भाग बन जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है कहलाता है, क्या उसे कर्ता कहते हैं, क्या उसे कर्म कहते हैं, क्या उसे उद्देश्य कहते हैं, क्या उसे ए और सी यानी कि कर्ता और उद्देश्य दोनों कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया कि जिसके विषय में बात कही जाती हो उसे हम कर्ता कहते हैं, इस कर्ता को हम उद्देश्य भी कहते हैं, यानी कि संज्ञा के अनुसार नाम,
बदले में या सर्वनामी शब्द को प्रयोग करता है। इनकी संख्या एक या बहुवचन वाले हो सकती है जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो जिसके विषय में बात की जाती हो उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। जैसे कि मोहन रोटी खाता है, तो मोहन यहाँ पर उद्देश्य है जिसके बारे में बात की जा रही है, मोहन करता है जिसके बारे में बात की जा रही है, रोटी खाना उसका विधेय कहलाएगा। ठीक है, जैसे शिक्षिका छात्रों को गणित पढ़ा रही है तो शिक्षिका उद्देश्य या कर्ता हो जाएगी और छात्रों को गणित पढ़ाना उसका विधेय कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, सरल वाक्य, सकारात्मक वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। अब पहली बात कि अगर हम वाक्य की बात कर रहे हैं तो वाक्य दो आधार पर बांटे जाते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक बांटा जाता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, परंतु सकारात्मक वाक्य नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं और आपके संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस के नाम से पुकारा जाता है। अब प्रश्न कहता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, क्या तीन होते हैं, छह होते हैं, सात होते हैं या आठ होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात कि अर्थ के आधार पर सबसे पहला वाक्य विधिवाचक, विधि सूचक, विध्यर्थक, विधानार्थक या हम इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जहां वाक्य में कार्य का होना पाया जाए। दूसरा है निषेधात्मक, यानी कि जहां पर वाक्य में कार्य का होना नहीं पाया जाए, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य या हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। जहां एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो तो उसे हम शर्त बोधक या हम उसे कहते हैं आपके संकेतार्थक वाक्य या हम उसे हेतुवाचक वाक्य के नाम से पुकारते हैं, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। जहां पर हम किसी वाक्य में कार्य के होने के प्रति संभावना व्यक्त करते हैं उसे हम संदेहार्थक वाक्य या हम उसे संभावनार्थक वाक्य के नाम से पुकारते हैं, जहां पर कार्य के होने के प्रति संदेह का बोध जो है वो होता है। जिसे हम सेंटेंस जो है वो जिसे हम सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट के नाम से भी पुकारते हैं। इसके बाद आता है जहां पर वाक्य में हमारे द्वारा ऐसा प्रयोग हो जहां किसी को हम वाक्य में कार्य करने के प्रति आज्ञा का बोध करा रहे हैं तो उसे आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। इसे हम कहीं ना कहीं एक ऐसा वाक्य कहते हैं जहां कार्य के होने के प्रति किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, इसे इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद आता है हमारे लिए इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य जिसमें हम कर्ता के द्वारा किसी आशीष शुभकामना या कर्ता के द्वारा वक्ता के द्वारा उनके मनोभावों का बोध किया जाता है, उनकी इच्छा विल और होप का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हमारे लिए इलेटिव सेंटेंस के नाम से इसे पुकारा जाता है। और एक होता है हमारे लिए विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि का मतलब क्या होता है, जहां पर वक्ता के विस्मय संबंधी मनोभावों का बोध हो तो उसे हम आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। विधिवाचक जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, निषेधात्मक जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक, शर्त बोधक, इस शर्त बोधक को संकेतार्थक भी कहते हैं और हेतुवाचक के भी नाम से पुकारते हैं, संदेहार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक और विस्मयादि बोधक। और इस तरह अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य तथा विधेय के अलावा एक या समापिका क्रिया होती है और योजक शब्द से जुड़े होते हैं वह कहलाता है, क्या उसे सरल वाक्य कहते हैं, क्या उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, क्या उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं या उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। तो सबसे पहली बात कि सरल वाक्य क्या होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय से संपूर्ण कथन जो होता है, तो जिस वाक्य में
एक या उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि एक या उससे ज्यादा उद्देश्य तो होते हैं पर विधेय केवल एक होता है। तो जहां एक या उससे ज्यादा सब्जेक्ट हो तो प्रेडिकेट ओनली वन हो उसे हम सरल वाक्य साधारण वाक्य के नाम से पुकारते हैं, जिसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य पर एक प्रधान वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जुड़ा होता है वहां मिश्र वाक्य होते हैं। कहने का मतलब कि जहां पर एक मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन सेंटेंस होता है और एक विधेय के अलावा एक या समापिका क्रिया होती है और कंजंक्शन वर्ड्स से जुड़े होते हैं। जब मैंने आपको अव्यय बताया था तब मैंने बताया था कि मिश्र वाक्य का निर्माण करते समय क्रिया विशेषण के शब्द जो एक शब्द वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ऐसे संयोजक क्रिया विशेषण कि जहां एक क्रिया विशेषण का शब्द दूसरे वाक्य को क्रिया विशेषण से जोड़ रहा हो, तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक प्रधान या मुख्य वाक्य पर आश्रित जब एक वाक्य जुड़ा हो तो वहां पर मिश्र वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जहां दो या उससे ज्यादा सरल या साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो ध्यान से समझिए कि मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में डिफरेंस क्या होंगे। मिश्र वाक्य में एक प्रधान या मुख्य वाक्य जो होगा आश्रित उपवाक्य से जुड़ा होगा और जब डिपेंड होगा तो मिश्र वाक्य में हम कुछ कंजंक्शन वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि जब तक। उसी प्रकार हम देखेंगे तो ज्यो ही त्यों ही, इसी प्रकार जैसे वैसे, है ना। तो अगर ऐसे संयोजक शब्द जो दोनों को जोड़ने काम करते हैं तो जहां वहां जब तक ज्यों ही त्यों ही जैसे वैसे, है ना। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ऐसे शब्दों से ये जुड़े होंगे। इसकी खासियत होती है कि एक मेन सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस जो है वो डिपेंड करता है। जब वर्षा होती है तब मेढक टर्राने लगते हैं, जहां आज ताजमहल है कल वहां पर जंगल हुआ करता था, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट गई, ठीक है, वर्षा बंद हो गई अतः अब हमें चलना चाहिए। तो एक मेन सेंटेंस पर जब दूसरा सेंटेंस डिपेंड होगा तो मिश्र वाक्य होंगे। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य के साथ साथ विधेय के साथ साथ एक या उससे समापिका क्रिया यानी कि दूसरी और क्रिया जो है वो जुड़ी होती है और योजक शब्द से जुड़े होते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य की खासियत क्या होती है कि संयुक्त वाक्य में सिर्फ सेंटेंस को एडिशन करने वाले कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं। पानी बरसा और बादल छट गए, मैं कक्षा में पहुंचा कि सिर में चक्कर आया और चक्कर इतना जोरदार कि मैं धड़ाम से गिर गया। तो मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में एक अंतर है कि संयुक्त वाक्य में सेंटेंस को जोड़ने का काम किया जाता है, लेकिन मिश्र वाक्य की खासियत होती है कि मुख्य वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जुड़ा होता है, जो मुख्य वाक्य और आपके जो उपवाक्य होते हैं वो कंजंक्शन वर्ड्स में जब तक ज्यों ही त्यों ही ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी आपके आई बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में यदि आप जाते हैं तो वाक्य विचार से संबंधित लेक्चर वीडियो आपको मिलेंगे, जहां आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बहुत गहराई में जाकर उसके बारीकियों को जो है वो जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, संकेतार्थ क्यों नहीं होगा, जहां एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करती है तो संकेतार्थ शर्त बोधक या हेतुवाचक वाक्य होता है। यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाएगा, उसी प्रकार समय से नहीं आओगे तो ट्रेन छूट जाएगी, जिसे संकेतार्थक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, क्या एक होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होता है। तो सबसे पहली बात ये उपवाक्य क्या होते हैं, तो उपवाक्य का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमारे लिए उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि उपवाक्य क्या होते हैं। तो जब हमारे द्वारा एक उद्देश्य और एक विधेय से संपूर्ण कथन है
तो एक उद्देश्य और एक विधेय का संपूर्ण कथन है, हम इसे प्रधान वाक्य कहते हैं या हम इसे मुख्य वाक्य के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि एक उद्देश्य और एक विधेय से संपूर्ण कथन को हम प्रधान या मुख्य वाक्य कहते हैं। जब इसी प्रधान या मुख्य वाक्य पर एक ऐसा वाक्य है जो आश्रित होता है उसे हम आश्रित वाक्य के नाम से पुकारते हैं। मुख्य वाक्य की खासियत क्या होती है कि मुख्य वाक्य को अगर हम सेंटेंस से बाहर भी कर देते हैं तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उद्देश्य और विधेय से यह संपूर्ण कथन होता है। तो कहीं ना कहीं सरल वाक्य को हम प्रधान या मुख्य वाक्य कह सकते हैं। लेकिन आश्रित वाक्य क्या होते हैं? यह आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य से छोटा होता है। यदि इस आश्रित वाक्य को मुख्य वाक्य से हटा दिया जाए तो इसका अर्थ और प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि बगैर मुख्य वाक्य के यह वाक्य अपने अर्थ की पूर्णता प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए इसे मुख्य वाक्य पर आश्रित होने की वजह से आश्रित वाक्य कहा जाता है। और इसी आश्रित वाक्य को हम उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं और उपवाक्य को हम वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक है, और आखिर ये उपवाक्य और वाक्यांश क्या होते हैं? तो ध्यान से समझने वाली बात है कि किसी वाक्य में एक या उससे ज्यादा क्रिया की होती है, है ना। जब किसी वाक्य में एक या उससे ज्यादा क्रिया होती है तो वाक्य को हम दो हिस्से में बांट देते हैं। पहले हिस्से को प्रधान या मुख्य वाक्य कहा जाता है और जो दूसरा क्रिया वाला वाक्य होता है उसे वाक्यांश या उपवाक्य के नाम से पुकारते हैं। जब हमारे द्वारा मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाया जाता है तो प्रधान वाक्य से बचे हुए दूसरे वाक्य को ही हम उपवाक्य या वाक्यांश कहते हैं। क्योंकि यह आश्रित होता मुख्य वाक्य पर इसलिए इसे आश्रित वाक्य कहा जाता है, और यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारे लिए संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है हमारे लिए विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है हमारे लिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ठीक, तो ध्यान समझेंगे कि हमारे लिए जो आपके उपवाक्य हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह आगरा जाएगा जहां वह ताजमहल देखेगा, इस वाक्य में कैसा उपवाक्य का प्रयोग हुआ है? क्या संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? अब हम जानेंगे कि संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। ऐसे आश्रित उपवाक्य जो कर्ता के क्रिया कर्म के पूरक के रूप में संज्ञा के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं उसे संज्ञा उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा है हमारे विशेषण उपवाक्य, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण के तौर पर, यानी कि अगर देखा जाए जो कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण उपवाक्य के नाम से पुकारा जाता है, सबऑर्डिनेट एग्जेक्टिव क्लॉज कहेंगे। और क्रिया विशेषण क्या होता है? जब किसी क्रिया के समय, स्थान, रीति, परिमाण, मात्रा, हर प्रकार की विशेषता क्रिया की बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हमारे लिए सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज के नाम से पुकारा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जहां पर पहला प्रधान वाक्य दूसरे वाक्य यानी कि उपवाक्य पर आश्रित हो रहा संज्ञा के अनुसार कि राम के पिता रंगमंच अभिनेता है, राम जो है संज्ञा है और पिता भी है जो संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा का पूरक के रूप में काम कर रहा है इसलिए उसे हम आपके उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। अगर हम कहते हैं विशेषण के तौर पर, अगर हमारे द्वारा कहा जा रहा है जैसे कि मैंने एक लड़की को देखा जो मधुर स्वर में गा रही थी कहते हैं, तो लड़की जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है मधुर स्वर में गा रही है तो विशेषण का काम कर रहा है। इसी प्रकार वह आगरा जाएगा जहां वह ताजमहल देखेगा कह रहा है तो वहां आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसलिए संज्ञा का काम कर रहा है। और क्रिया विशेषण ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट गई कहता है तो वहां पर हमारे लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा क्योंकि समय सूचक क्रिया विशेषण वहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उपवाक्य को ही हम क्लॉज के भी नाम से पुकारते हैं, जैसे हम वाक्यांश आश्रित वाक्य या हम उसे क्लॉज आश्रित वाक्य या वाक्यांश कहते हैं जो मुख्य वाक्य पर पूरी तरह से निर्भर
होता है। तो जब हमारे द्वारा बनाया जाता है मिश्र वाक्य को और बनाया जाता है संयुक्त वाक्य को, तो जहां किसी क्रिया वाक्य में दो प्रकार की क्रिया आती है तो वहां पर उस वाक्य को दो हिस्से में बांट दिया जाता है। तो एक उद्देश्य और विधेय से संपूर्ण कथन को प्रधान या मुख्य वाक्य कहने लगते हैं और बचे हुए हिस्से को हम उपवाक्य, वाक्यांश या हम उसे आश्रित वाक्य के नाम से पुकारने लगते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रयोग हैं? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या सभी? तो आश्रित उपवाक्य यानी कि आपके ऐसे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य पर निर्भर होता है, जिसे हम वाक्यांश भी कहते हैं। क्योंकि यह आश्रित होता है इसलिए हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और कहने का मतलब कि संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर और क्रिया विशेषण के आधार पर जुड़े होते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके आने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला क्यों ही वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं? सबसे पहली बात, जहां एक प्रधान या मुख्य वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जुड़ा हो वहां पर मिश्र वाक्य होते हैं। दूसरी बात कि कहने का मतलब यह होता है कि मिश्र वाक्य की खासियत होती है कि एक प्रधान वाक्य होता है जिस पर दूसरा वाक्य जो है वो निर्भर होता है। इसलिए मिश्र वाक्य की खासियत क्या होती है कि जहां किसी वाक्य में एक या उससे समापिका क्रियाएं होती हैं, जहां प्रधान वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जुड़ा होता है वहां मिश्र वाक्य के प्रयोग किए जाते हैं। और ये ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं जो ही, क्यों ही, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, नहा, यद्यपि, ऐसे शब्दों से ये जुड़े होते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? जो ही वह घर से निकला क्यों ही वर्षा होने लगी, यानी कि मिश्र वाक्य है आपका कि एक वाक्य पर आश्रित जो है वो दूसरा उपवाक्य होता है, वह मिश्र वाक्य होते हैं। अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। ऑप्शन ए कहता है कर्ता क्रिया कर्म, ऑप्शन बी कहता है कर्ता कर्म क्रिया, ऑप्शन सी कहता है कर्ता कर्ता कर्म, ऑप्शन डी कहता है क्रिया कर्म कर्ता। तो जब किसी वाक्य में छह प्रकार के तत्व से दो प्रकार के वाक्य के अंग हो जाते हैं तो इस वाक्य को एक नियोजित परंपरा के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहला होता है हमारे लिए कर्ता, फिर आता है उसका कर्म, फिर आती है उसकी क्रिया। जैसे कि राम रोटी खाता है, तो कहने का मतलब कि राम जो है करता है, रोटी कर्म है और खाना उसकी क्रिया है। और इस आधार पर किसी भी वाक्य की संरचना सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद में क्रिया से उस वाक्य की संरचना जो है वो पूरी होती है। अब यहां से प्रश्न आता है हमारे लिए आपके वाक्य शुद्धिकरण का। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां आपको जो वाक्य शुद्धिकरण है आपके जो होते हैं वो सेंटेंस एरर के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि यदि आपके उच्चारण करते समय मात्रात्मक त्रुटि है तो वर्तनी प्रभावित होती है, और उसी तरह लेखन के समय मात्रात्मक और वर्णगत अगर त्रुटियां होती है, साथ ही व्याकरणिक नियमों से संबंधित त्रुटियां होती है तो वाक्य प्रभावित हो जाते हैं। वाक्य के अर्थ के शुद्धिकरण का मतलब होता है कि वाक्य के अंतर्गत जो व्याकरणिक त्रुटियां हैं, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, क्रिया संबंधी, काल संबंधी, संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, इवन उपसर्ग प्रत्यय संबंधी, कारक रचनाओं संबंधी और जो अन्वय जो होता है उनके अनुसार अगर अशुद्धि होती है तो वाक्य शुद्धिकरण का मतलब होता है कि वाक्य के व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारना। वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है बल्कि वाक्य की त्रुटियों को हमें क्या करना है? सुधारना है। और इस स्थिति में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ चार दिया हुआ है। प्रायः ऐसा होता है, शरीर के कई अंग होते हैं, मुझे पुस्तक दो, हमारे से कोई काम नहीं होता, इनमें से तीन जो है शुद्ध है परंतु एक है जो अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो देखने वाली बात है, यहां हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है, क्योंकि हमारे से नहीं होगा, हमसे कोई काम नहीं होता कहा जाएगा। यहां पर हमारे से कह रहा है मतलब यहाँ कारक रचना संबंधी दोष देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं,
कि हमारे घर जो अशुद्धि होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के वाक्य शुद्धिकरण के नियम होते हैं जिसका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाएगा। तो वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित एक लेक्चर वीडियो है जो आपको सेंटेंस के अंतर्गत जो आप आई बटन क्लिक करेंगे तो वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा, जिसमें बहुत सारे नियम के माध्यम से वाक्य शुद्ध करने के तरीकों को मैंने बताया है। जैसे कि देखा जाए तो हम कहते हैं कि संज्ञा शब्द से कारक रचना को दूर लिखी जाती है। कैसे दूर लिखा जाएगा तो देखिए कि संज्ञा शब्द है, जैसे कि राम कहता है, संज्ञा शब्द है राम, तो कारक रचना को हम दूर लिखेंगे। लेकिन अगर वो सर्वनामिक शब्द है तो कारक रचना को सटाकर लिखा जाएगा। जब हम संयुक्त क्रिया का निर्माण करते हैं जैसे कि उठ बैठा चल दिया तो दो संयुक्त क्रिया दूर लिखी जाएगी। लेकिन अगर हम पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करते जैसे चख कर कहते हैं, देख कर कहते हैं, जैसे सटाकर लिखा जाता है। किसी भी नाम से दूर में श्री को और हमारे द्वारा जी को लिखा जाता है, श्री मोहनदास करमचंद गांधी। उसी प्रकार महात्मा जी, गुरु जी, इसको दूर लिखा जाता है। लेकिन जो मात्र कहते हो, ठीक है, इसी प्रकार यदि हम प्रति कहते हो, इसी रूप में यदि हम व्यथा कहते हैं, तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एक साथ सटाकर लिखा जाता है। मानव मात्र, समाज मात्र, प्रतिदिन, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यथाशक्ति, इसे सटाकर लिखा जाता है। जब हम प्रयोग करते हैं कारक विभक्तियों का, कारक विभक्तियों की बात करते हैं तो दो कारक विभक्ति आती है, जैसे कि उसके द्वारा कहता है, उसके लिए कहता है, तो दो कारकों को भी थोड़ी सी दूरी बनाकर लिखा जाता है। इसके अलावा जो विशेषण का शब्द है उससे पहले हम प्रविशेषण को लिखते हैं, जैसे कि बहुत मोटा, तो प्रविशेषण का शब्द विशेषण से पहले लिखा जाता है। इसी तरह जो नकारात्मक शब्द है, जैसे कि हम कहते हैं जाना, इस क्रिया शब्द से पहले नकारात्मक शब्द है, जैसे कि मत जाना। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्रिया विशेषण, जैसे कि धीरे पढ़ना, तो क्रिया विशेषण के शब्द को और आपके नकारात्मक शब्द को क्रिया से पहले लिखा जाता है। जब कारक रचनाओं की बात होती है, तो ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहली बात कर्ता और क्रिया के बीच में, हम करण, यहां तक कि संप्रदान, अपादान और संबंध सूचक कारक रचना को कर्ता और क्रिया के बीच में रखते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सारे जो नियम है, ये सभी नियमों को मैंने वाक्य शुद्धिकरण के लेक्चर वीडियो में समझाया है। अगर आपको उसको बहुत अच्छे से जानना है तो आई बटन पर क्लिक करेंगे तो लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक वहां से कवर हो जाएंगे। इस वाक्य शुद्धि के बाद में कुछ हम और प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को छाटिए। लड़का ने पत्र लिखा, यह कविता कबीर ने लिखा है, नीरज पत्र को लिखा, माला पुस्तक को पढ़ चुकी है। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा अपोजिट है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इनमें से तीन वाक्य हैं जो अशुद्ध हैं, एक चौथा वाक्य होगा जो शुद्ध होगा, उसी का चयन आपको करना है। तो लड़का ने पत्र लिखा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लड़के ने पत्र लिखा। यह कविता कबीर ने लिखा है नहीं, क्योंकि कविता जो है वो स्त्रीलिंग के अंदर बताता है, इसलिए लिखी है होना चाहिए। नीरज पत्र को लिखा नहीं, नीरज ने पत्र लिखा होना चाहिए। अब शुद्ध क्या है, माला पुस्तक को पढ़ चुकी है, तो माला पुस्तक को पढ़ चुकी है, ये आपका शुद्ध वाक्य की श्रेणी में आएगा। अगले क्वेश्चन की है, निम्नलिखित छह वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो सेक्शन है यह आपके पद क्रम के श्रेणी में आता है, वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत पद क्रम के श्रेणी में यह प्रश्न आता है। तो कहने वाली बात है कि कभी कभी शुद्ध वाक्य छाटी है, अशुद्ध वाक्य छाटी है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, पूछा तो जाता है, लेकिन पद क्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पद क्रम क्या होता है, पद क्रम का मतलब होता है कि जब हम किसी वाक्य में शब्दों का और वाक्यों का ऐसा प्रयोग करते हैं जो निश्चित क्रम में जुड़ा होता है, उसे पदों का क्रम कहा जाता है। प्रश्न ने कहा है कि पहला और जो आपका अंतिम वाला है, ठीक है ना, कि पहला और जो अंतिम है वो यथावत बना रहेगा, बीच में से जो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो चीजें हैं उनको आपको जमा कर लिखना है। तो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर पहला और आपका जो छठवां है ये जो है वो यथावत बना रहेगा, लेकिन बीच के सेंटेंस को आपको जमाना है।
ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित छह वाक्यांश में से पहला और अंतिम जो है वो अपनी जगह बना रहेगा, बीच के य र ल व इन चार को इस तरह जमाना है। तो ऑप्शन कहता है कि क्या ए य र ल व आएगा, क्या बी र व य ल आएगा, क्या सी ल य व र आएगा, क्या डी व र ल य आएगा। तो पढ़ के देखते हैं, स्वतंत्र भारत का खालिस्त, उसके बाद जो है क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वे कल उन्नति और उसका उत्थान इन्हीं पर संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों पर, स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा भारत की, ठीक है। और ऑप्शन अंतिम है, निर्भर करता है। तो क्या आएगा, स्वतंत्र भारत का क्या आएगा, संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वे कल के स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा भारत की उन्नति और उनका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, ठीक है। यानी कि देखने वाली बात है कि ल से शुरू हुआ तो ल के बाद में क्या आएगा, आप ल के बाद में आता है आपका आपका य, ठीक है। तो पहला आएगा आपका ल, यानी कि संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है क्योंकि आज के विद्यार्थी है वे कल के। फिर आपका आएगा यहां पर आपका थर्ड, स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा भारत की उन्नति और उनका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। और इस तरह आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, आप सभी को पता है, जहां कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने हेतु प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत ग्रामेटिकल मिस्टेक में कुछ भी मिस्टेक है जो होती है, यहाँ कह रहा है प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन कहते हैं, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। ऑप्शन बी कहता है, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। ऑप्शन सी कहता है, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। और ऑप्शन डी कहता है, पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने। तो यहां देखिए मकान मालिक ने किसको प्रेरित किया, पुलिस को, क्योंकि किसको बाहर निकाले, आपके किराएदार को, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। तो प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कि मकान मालिक ने पुलिस को प्रेरित किया, कि पुलिस किसको बाहर निकाले, आपके किराएदार को, इसलिए मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया, ये प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन, परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं इन दिनों में, इन दिनों में आपने क्या काम कर रहे हैं। अब परसर्ग क्या होता है, प्रत्यय होता, परसर्ग होता है आपका प्रत्यय, मतलब कि यहाँ पर आपके ऐसा प्रयोग है जहां पर आपकी शुद्धता को पहचानना है वाक्य में। तो इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं, यह अशुद्ध है। इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, यह इसमें से शुद्धता वाला वाक्य है। तो परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब आप कहेंगे पदक्रम क्या है, तो ध्यान से रखिएगा कि हम पहले कर्ता को, फिर कर्म को और फिर क्रिया को रखते हैं, ये पद का क्रम होता है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, मैं गर्म प्याला चाय चाहता हूँ, मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, मैं प्याला चाहता हूँ गर्म चाय का, मैं चाहता हूँ गर्म प्याला का। तो आंसर क्या होगा, पदक्रम की दृष्टि से मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ। तो गर्म चाय का प्याला कह रहा है, यह वाक्य में शुद्धता है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न वाक्यांशों का उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। वह किसी की परवाह भी ना करती थी, लोगों ने उसके ऊपर, पर उसका मन साफ था और अनेक प्रकार के लांछन भी लगाए। यह कूट वाला प्रश्न है, इसमें आपको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या बी सी ए बी आएगा, क्या सी ए बी डी आएगा, क्या ए बी सी डी आएगा, कि बी डी सी ए आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले बात देखने वाली बात है कि यहाँ पर आप सबको चलेगा कि लोगों ने उसके ऊपर अनेक प्रकार के लांछन भी लगाए, पर उसका मन साफ था, वह किसी की परवाह नहीं करती थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर आपका
डी, ठीक है, बी है ना, बी यानी कि आपका लोगों ने उसके ऊपर अनेक प्रकार के लांछन भी लगाए पर उसका मन साफ था, वह किसी की परवाह नहीं करती थी, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले प्रश्न की ओर, निम्न विकल्प में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। वह सुंदर गुणों से युक्त है, वह खूबसूरत गुणों से युक्त है, वह अच्छे गुणों से युक्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे लिए विशेषण संबंधी अशुद्धि है। देखने वाली बात है कि गुण सुंदर नहीं होते, गुण कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, और गुण खूबसूरत भी नहीं होते। तो कहने का मतलब वह अच्छे गुणों से युक्त है, यह हमारे लिए शुद्ध वाक्य है, बाकी वाक्य है जो अशुद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, गौरव तुम बैठ कर पढ़ाई करो, किस प्रकार का वाक्य है? क्या यह निषेधात्मक वाक्य है, क्या यह विधिवाचक है, संकेतवाचक है, या आज्ञावाचक है? तो जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया कि रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो एक या उससे ज्यादा उद्देश्य हो परंतु विधेय केवल एक हो, वह सरल या साधारण वाक्य होते हैं, जिसे हम आपका क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जहां एक मेन मुख्य वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जुड़ा हो, जहां पर एक क्रिया के साथ में तो समापिका क्रिया आश्रित वाक्य उपसर्ग आपके आश्रित जो आपके वाक्य हैं वो जुड़े हुए होते हैं योजक शब्द के द्वारा, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी कि उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जहां दो या उससे अधिक वाक्य अगर एक संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं तो वहां पर हमारे लिए संयुक्त वाक्य होता है, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, और ये रचना या आपके बनावट के आधार पर वाक्य होते हैं। परंतु अर्थ के आधार पर आठ प्रकार का वाक्य होता है। जहां किसी वाक्य में कार्य का होना पाया जाए उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं, तो विधिवाचक, विधि सूचक, विध्यर्थक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जहां वाक्य में कार्य का होना नहीं पाया जाए उसे निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य या उसे हम नेगेटिव सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। जहां पर हमारे लिए एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो तो संकेतार्थक, शर्तबोधक या हेतुवाचक वाक्य कहलाता है। जहां वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या किसी प्रकार के आदेश का बोध हो, तो प्रार्थना हो, आज्ञा हो, अनुमति हो, अगर किसी प्रकार के आदेशात्मक बोध हो तो वहां आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। तो गौरव तुम बैठकर पढ़ाई करो कहके आज्ञा दे रहा है तो उसे आज्ञार्थक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य कहेंगे। जहां वाक्य में वक्ता की विस्मय या मनोभावों का बोध हो तो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। जहां कार्य के होने के प्रति संभावना व्यक्त की जाए वह संभावनार्थक या संदेहार्थक वाक्य होगा। अगली बात की वाक्य में यदि वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशय जैसी बातों का बोध हो तब हमारे लिए वहां पर इच्छार्थक वाक्य का प्रयोग हो। इस प्रकार आठ प्रकार के अर्थ के आधार पर और तीन प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने भोजन नहीं खाया, पिता ने सिखाया सदा सत्य बोलो, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। राम पुस्तक पढ़ रहा है कहता है तो हमारे लिए पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य है। मैंने भोजन नहीं खाया कहता तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है। पिता ने सिखाया सदा सत्य बोलो कहता है तो यहाँ पर हमारे लिए आपके एक विशेष प्रकार के आज्ञा का बोध जो है देखने को मिलता है। जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर अगर देखा जाए तो जहां पर एक या उससे ज्यादा सरल या साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य संयोजक शब्द से जुड़े होते और एवं तथा किंतु परंतु अगर मगर यद्यपि हालांकि ये सारे शब्द से अगर जुड़ा होता है तो वहां पर हमारे लिए संयुक्त वाक्य होते हैं। लेकिन एक मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो, जो ही क्यों ही, जब तब, जैसे वैसे, की जो, जहां वहां, वो हमारे लिए मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जो लोकप्रिय कवि होता, जो लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या हो? जो कवि लोकप्रिय होते हैं, जो कवि होते हैं लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, तो सरल वाक्य क्या होगा? कि जो लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा? कि जो कवि होते हैं लोकप्रिय होते हैं,
ठीक है, तो जो लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान करते हैं। ये आपकी मिश्र वाक्य है, इसका सरल वाक्य क्या होगा कि जो कवि होते हैं लोकप्रिय होते हैं, ठीक है, तो लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं। ये आपका सरल वाक्य होगा कि लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं। और इस तरह देखा जाए तो आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से हमने वाक्य विचार और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। इससे संबंधित एक विशेष जानकारी, अगर आपको वाक्य विचार यानी कि वाक्य के पूरे प्रयोग को जानना है, वाक्य शुद्धिकरण को जानना है, तो आई बटन को यदि आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे तो वाक्य विचार से संबंधित और वाक्य शुद्धिकरण के नियम से संबंधित लेक्चर वीडियो मिलेंगे, जहां आप जाकर इनसे संबंधित प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। Thank you.